सर, यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास सेवन का प्रश्न वाली 8.1 का लेके आया हूँ, जिसमें प्रश्न का जो विषय है प्रतिशतता का है। तो निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इसको कैसे बदला जाता है, तो आज मैं उसी का जो है हल करने जा रहा हूँ। जैसे दो नंबर में, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एक नंबर का हल कर चुका हूँ, आज मैं दो नंबर का सवाल जो है हल करने जा रहा हूँ दोस्तों। और जो इस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग भी बड़ी कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बच्चों को भी, और जो जेटेक के एग्जाम देने वाले हो, चाहे सहायक अध्यापक पारा शिक्षक, जो आकलन की तैयारी कर रहे हो, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप बड़ी कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। एक नंबर में 2.5 को हम प्रतिशत में कैसे बदलें, तो इसमें बहुत ही आसान तरीका है। 2.5 बट्टा कर दीजिए और इस पॉइंट को हटाने पर एक दे देना है। एक देने के बाद एक जरूरी चीज इसमें ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद कितने संख्या है, तो पता चलता है इसमें एक संख्या है, कितने करना है, एक जीरो दे देना है। एक जीरो देने के बाद अब आगे बढ़े, अब ये जो अंश है वो 25 हो गया और हर जो है 10 हो गया। अब इसको प्रतिशत में दो तीन तरह से भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहला नियम 100/100, इसको भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो इसको काट देने पर अब यहाँ पता चलता है कि 25 और 10 दोनों गुना कर देने पर 250/100, यानी नीचे जितने भी ऊपर में जो भी संख्या है नीचे अगर 100 रहे तो उसका मतलब 100 में 250 जो भी रहे उसका उतना ही प्रतिशत। इसका मतलब है 100 में 250 का हिसाब से उसका निकल रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए इस तरह का नियम है। और एक नियम मैं बताने जा रहा हूं, इसको भी निकाल सकते हैं। 25/10 को 100% भी कर सकते हैं। इसको काट दीजिए, 100%, इस तरह भी निकाल सकते हैं।
अब आइए दो नंबर पे, दो नंबर सवाल कहा गया है 32.5। अब इसको हटा करके 10 दे देना है, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक संख्या है, इसलिए एक दे करके एक जीरो बैठाए। अब इसको 325 मान लीजिए अंश में, और हर में 10, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100 बराबर 3, 3, 2, 3, 2, 5 और ये 10 गुना कर देना है तो 0। 325 गुना 10 दोनों गुना करने पर 3250 आएगा, नीचे 100, यानी कि अंश में जितना रहे हर में अगर 100 रहे उतना ही प्रतिशत। 3, 3, 3। अब आइए तीन नंबर सवाल, दो नंबर का तीन नंबर, तीन नंबर में कहा गया है पॉइंट 0.04। तो दशमलव को हटाने पर दशमलव के बाद एक संख्या है, अगर दो संख्या रहता तो दो जीरो एक दे करके दो जीरो लगता है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक दे करके एक जीरो बैठाए। अब अंश में रहा 4 और हर में 10, अब इसको 100/100 से गुणा कर दीजिए और जो कटने वाला है काट दीजिए, कटने वाला तो ये भी है मगर मैं इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि अगर काटेंगे तो फिर भाग देना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 4.40 गुणा कर बटा 100 मेरा आसान से निकल जा रहा है। अब इसका मतलब 40 का नीचे 100 है, यानी 100 में से 40 मिल रहा है, 100 में से 40 मिल रहा है, 100 में से 40% कहीं कहीं लाभ भी होता है, कहीं कहीं हानि भी, कहीं कहीं लाभ तो कहीं कहीं हानि, ये जान लीजिए। कारोबार करोगे तो कोई ऐसा व्यक्ति कर नहीं सकता है जो हमें हमेशा लाभ ही होता है, कोई कर नहीं सकता, हानि भी होती है, तो 40% है। अब मैं 4 नंबर पे चार नंबर में कहा गया है 0.006। अब यहां दशमलव के बाद दाएं साइड में दो संख्या इसका मतलब हटाने पर एक दे करके दो शून्य देना है। अब यहां हर में बचा 6 और 100 से गुणा कर देना है दोस्त, और ये सौ कटी, अब बचा 6 के नीचे 100
इसका मतलब कि जितना अंक है उससे नीचे अगर 100 रहे तो उतना ही। ये आसान तरीका है प्रतिशत में बदलने के लिए। ये जो है ये भिन्न है, ये भिन्न है 6/100, ये भिन्न है। तो भिन्न बनता है दोस्तों अंश बटा अंश। अब मैं 5 नंबर का सवाल, में है ग्यारह दशमलव तीन। अब इस दशमलव को हटाने पर जैसे मैंने बता चुका हूं कि एक संख्या रहे एक करके एक, दो संख्या रहे एक करके दो, तीन संख्या रहे दशमलव के बाद एक करके तीन संख्या देना। तो 11 3/10 अब 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए अब इसको काट दीजिए, बराबर बचा 11 3 0/100। इसका मतलब है कि 11 3 0% तो दोस्तों और छोटे छोटे बच्चे, मैं अब यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। और जो बचा है इसी तरह आप लोग बना के देखें, जांच करें, किताब खोल करके बनाएं, घर बैठे आराम से निकाल लोगे। इस तरह का सवाल लेकर के नियम लेकर के बनाओगे तो निकल जाएगा दोस्तों। तो मैं अब के साथ विदा लेता हूँ।